रहीम यार खान में डाकुओं का रॉकेट से हमला, 12 पुलिस अहलकार शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कच्चे से दो गाड़ियों पर पुलिस अहलकार वापस आ रहे थे, गाड़ी खराब हुई तो डाकुओं ने रॉकेट हमले किए। डाकुओं ने पहले रॉकेट लॉन्चर मारा, फिर 15 से 20 डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान हमले के मरकजी मुलजिमान में शामिल मुलजिम बशीर शर मारा गया। शहदा की नमाजी जनाजा नमाज जुमा के बाद पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस अहलकारों की शहादत से कबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में पुलिस अहलकारों की पानी में फंसी गाड़ी देखी जा सकती है। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत सियासी क्यादत की रहीम यार खान हमले की शदीद मुजम्मत। शहीद पुलिस अहलकारों को खराज अकीदत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का लापता अहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म। जख्मी अहलकारों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मेरा बेटा जो एलीट फोर्स में है वो कल ड्यूटी से वापस आ रहा था, जो कि कच्चे के इलाके में है। जब वो रास्ते में था तो उन पे डाकू ने हमला कर दिया, जिससे कुछ जवान शहीद हो गए और कुछ जख्मी हो गए। हमें पता चला कोई तकरीबन 7:30 बजे, तो हम उसे पता करने के लिए आए तो ना तो वो इधर जख्मियों में मिला ना वो डेड बॉडियों में मिला। डाकुओं के हमले के बाद एलीट फोर्स का जवान अहमद नवाज लापता। लियाकतपुर से ताल्लुक रखने वाले अहमद नवाज के वरसा शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान पहुंच गए। अहमद नवाज के वालिद के मुताबिक बेटे के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो कहाँ है, किस हाल में है। नताशा ने बाप बेटी को गाड़ी से कुचलने से पहले गाड़ी और दो मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। कराची में कारसाज हादसे की एक और सीसीटीवी सामने आ गई। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अफराद नीचे गिर गए। नताशा तेजी से गाड़ी चलाते फरार हुई, फिर बाप बेटी को भी रौंद डाला। सरगोधा में भेरा इंटरचेंज के करीब कार से 4 अफराद की लाशें बरामद। ड्राइवर को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। फैमिली का ताल्लुक मैकलोड रोड लाहौर से है। जांबाग अफराद में 25 साल समर, 55 साल रुमेला, 30 साल महर और 6 साल ऑन शामिल। चारों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाशें लाहौर के लिए रवाना कर दी गई। पन्नू आकिल के करीब सक्खर मुल्तान मोटरवे पर ट्रक और कार में तसादुम। खातून समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जांबाग, एक खातून जख्मी। मरने वालों की शनाख्त मोहम्मद अख्तर, गुलाम यासीन, ताहिर अली और जेवर खातून के नाम से हुई। ईरान ट्रैफिक हादसा, जायरीन की मैयतें आज वतन लाई जाएंगी। 28 मैयतें C-130 तैयारी से सक्खर से लाई जाएंगी। 15 जख्मी भी खसूसी तैयारी से सक्खर पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का अदालती फैसले पर आज यौम तशक्कुर का ऐलान। पार्लियामेंट का शुक्रिया, चीफ जस्टिस को खराज तहसीन पेश किया। कहते हैं मुस्बत रवैये का मुजाहरा करने पर सुप्रीम कोर्ट को दाद देनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जर्मन वजीर बरा इक्तसादी ताबुन और तरक्की मिसेज सोलिंजा शॉल्स की क्यादत में वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीली और तहफ़ुज़ माहौलियात से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगु। तजारत और सरमायाकारी में दोतरफा ताबुन बढ़ाने के आज़म का इरादा। पाक फौज की मेजर सानिया सफदर ने अक़वामे मुत्तहिदा का जेंडर अवार्ड हासिल कर दिया। मेजर सानिया सफदर को साइप्रस में सिन्फी मसावात के फरोग पर आलमी अवार्ड दिया गया। मेजर सानिया सफदर जेंडर अवार्ड हासिल करने वाली अक़वामे मुत्तहिदा मिशंस की पहली खातून है। मेजर सानिया सफदर ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा से पहले अम फौजी के तौर पर सर्टिफिकेट हासिल करना मेरे मुल्क और फौज के लिए एजाज़ है। अवार्ड मिलना हमारी सिन्फी मसावात के फरोग के लिए आज़म का एक वाज़ह सबूत है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव में तश्वीशनाक इजाफा। हैदराबाद में रवा साल का 16वां पोलियो केस रिपोर्ट। इंसदादी पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुतासरा बच्ची की उम्र 29 माह है। वजीर आजम की फोकल पर्सन राय पोलियो आयशा रजा फारूक कहती हैं, हैदराबाद में 4 माह से पोलियो वायरस मौजूद है।
पोलियो केस की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। सूबों से मुशावरा जारी है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए जामे रोड मैप पर अमल हो रहा है। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज बांग्लादेश की दो विकेटें गिर गईं। नसीम शाह ने जाकिर हसन, खुरम शहजाद ने कप्तान शांतो को पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश ने 448 रन के जवाब में 75 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 6 विकेट पर 448 रन पर डिक्लेयर की थी। मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नाकाबले शिकस्त रहे। साउद शकील ने 141 रन की उमदा इनिंग्स खेली। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को हंगामों के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक शकीबुल हसन जिम्मेदार हैं, इसीलिए मुकदमा दर्ज किया गया। शकीबुल हसन हसीना वाजिद की पार्टी के रहनुमा और पार्लियामेंट के मेंबर थे। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के वैश्याना हमले जारी। इसराइली फोर्सेस की दिरुल बला और खान यूनस में इसराइली फोर्सेस की बमबारी। इसराइल के हमलों में 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई के दौरान मकानात को आग लगा दी गई। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,265 हो गई। इलेक्शन माजी की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने का मौका है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस कहती हैं, अमरीकियों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ूंगी। ट्रंप एक गैर संजीदा शख्स हैं, व्हाइट हाउस में रहने के लायक नहीं। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के आखिरी रोज कारकुनों से खिताब। इक्तदार में आकर कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को आजाद करने का ऐलान। आइसलैंड में आतिश फिशां ने फिर लावा उगलना शुरू कर दिया। लावे के मनाजिर कई किलोमीटर से देखे जा सकते हैं। जापान की 116 साल खातून टॉमिको एविका अब दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून बन गईं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक कर दी। स्पेन की 117 साल खातून का गुज़श्ता हफ्ते इंतकाल हो गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुलामों की तिजारत और इसके खात्मे की याद मनाने का आलमी दिन है। अक़वामे मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, लोगों को तरक्की के अक्सा मौके मुयस्सर ना होने से दुनिया में गुलामी की तिजारत आज भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा अफ्रीकी मुल्क बॉट्सवाना से दरियाफ्त। कान से 2492 के रात का हीरा दरियाफ्त हो गया। ये नायाब हीरा गुज़श्ता 120 सालों में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा हीरा है। इससे कबल 1905 में जनूबी अफ्रीका से 3106 के रात का हीरा दरियाफ्त किया गया था। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने पॉप गुलकार माइकल जैक्सन का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेलर स्विफ्ट ने अपने मशहूर एरिस टूर के दौरान लंदन के वेम्बली स्टेडियम में कॉन्सर्ट करके नया रिकॉर्ड बना दिया। टेलर स्विफ्ट वो पहली सोलो आर्टिस्ट बन गई जिन्होंने एक ही टूर के दौरान 8 शोज किए। इससे कबल ये रिकॉर्ड माइकल जैक्सन के पास था जिन्होंने 1988 में अपने बैड टूर के दौरान 7 शोज किए थे।